गाइस ये वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग नाइटबॉट को यूज करके कैसे अपनी यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम की चैट को और ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग बना सकते हो अपने व्यूवर्स के लिए। तो ये वीडियो में आप लोगों को दो चीज बताऊंगा। एक तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि भाई ऐसा बताओ कि कोई भी अगर व्यूअर हमारी लाइव स्ट्रीम पे आता है और वो कमेंट करता है हाय, तो नाइटबॉट रिप्लाई करे, उसका नाम लेके उसका वेलकम करे। मतलब अगर कोई रमेश या सुरेश आपकी लाइव स्ट्रीम पे आ रहा है तो समझ लो रमेश ने आपकी लाइव स्ट्रीम पे कमेंट किया हाय, तो नाइटबॉट रिप्लाई करे हाय रमेश वेलकम टू द स्ट्रीम। मतलब नाइटबॉट उसका नाम लेके उसका वेलकम करे। तो सबसे पहली चीज तो मैं ये बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। और दूसरी चीज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और उससे भी ज्यादा मजेदार है, वो ये कि अगर आपकी लाइव स्ट्रीम पे कोई भी आएगा और चैट में लिखेगा एक्सक्लेमेशन लव और उसकी लवर का नाम, तो नाइटबॉट रिप्लाई करके बताएगा कि उसका और उसके लवर के बीच में कितना प्यार है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आपकी लाइव स्ट्रीम पे आता हूँ और मैं लिखता हूँ एक्सक्लेमेशन लव कटरीना, तो आपका नाइटबॉट रिप्लाई करके बताएगा आपके चैट में कि लव बिटवीन एक्सपोजर एंड कटरीना इज 91% 93% या कुछ भी रैंडम 1 से लेके 100% के बीच में। तो कुछ इस प्रकार से, ये मजे के लिए, फन के लिए, ताकि आपके चैट ज्यादा इंटरेस्टिंग बने। ऐसा कुछ असलियत में नहीं है भाई, हमारे बीच में कोई प्यार नहीं है, ठीक है। तो चलो यार वीडियो में आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीज़ें आपको करना कैसे। तो प्लीज इस वीडियो को यार बिल्कुल एक सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि सारी स्टेप्स जो है वो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ओके। और अगर आप लोगों ने अभी तक नाइटबॉट का सेटअप ही नहीं किया, आपको मतलब पहली अगर आप नाइटबॉट को सेटअप कर रहे हो अपनी YouTube चैनल के साथ में, तो मेक श्योर कि मैं आप लोगों को एक वीडियो की लिंक दूंगा, मतलब जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी इसके नाइटबॉट के ऊपर, जिसमें मैंने बेसिक बताया कि आप लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हो नाइटबॉट को अपने YouTube चैनल के साथ, वो भी मोबाइल पे, ठीक है। ये वीडियो भी मैं आप लोगों को मोबाइल पे बताने वाला हूं कैसे करते हैं, सो दैट मोस्ट ऑफ द जो मोबाइल यूजर्स हैं उनको भी इजी पड़े ये चीज करने के लिए। अगर आपके पास पीसी है तो ये सेम स्टेप्स को आप फॉलो करके अपने पीसी पे भी नाइटबॉट की वेबसाइट पे जाके कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो वीडियो को जरूर देख लेना ये वीडियो देखने के बाद, अभी नहीं, लिंक वहीं रहेगी, ठीक है। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको आखिरी में पसंद है तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पहली बार आप लोग मेरा मुंह देख रहे हो। तो अब सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपने मोबाइल पे खोलना है एक ब्राउजर और ब्राउजर में खोलना है नाइटबॉट की वेबसाइट को। तो नाइटबॉट की जो वेबसाइट है वो है nightbot.tv, ये वेबसाइट आपको खोल लेना है। और इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे ऊपर जो थ्री लाइंस दिख रही है, यहाँ पे थ्री लाइंस पे क्लिक करना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है अपने यूट्यूब चैनल से, जिस भी चैनल पे आप लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो और जिस भी चैनल के साथ आप नाइटबॉट को कनेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन विद यूट्यूब पे क्लिक करके मैं अपने यूट्यूब चैनल से लॉगिन कर लेता हूँ फटाक से। तो यहाँ पे मैंने अपने यूट्यूब चैनल से लॉगिन कर लिया, और आप भी जब लॉगिन कर लोगे अपने यूट्यूब चैनल से तो आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। ये स्क्रीन पे आने के बाद ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड पे थ्री लाइंस दिखाई दे रही है वहां पे आपको क्लिक करना है, और सेकंड वाला जो ऑप्शन है जादू की छड़ी वाला, उस जादू की छड़ी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है कस्टम पे। कस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कस्टम कमांड ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे हाय वाला कमांड, कि अगर आपकी लाइव स्ट्रीम पे कोई आता है और हाय लिखता है आपकी चैट में तो नाइटबॉट उसको रिप्लाई करे और उसका स्वागत करे। तो यहाँ पे ऐड कमांड पे क्लिक करूंगा मैं, और ऊपर कमांड में लिखूंगा हाय, यहाँ पे हाय लिख दूंगा। आप एच कैपिटल भी रख सकते हो, स्मॉल भी रख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे हाय लिख दूंगा सिर्फ मैं, और नीचे मैसेज में हाय लिखने के बाद क्या मैसेज आना चाहिए, तो मैसेज आना चाहिए हाय उस यूजर का नाम और वेलकम टू द स्ट्रीम, ये लिखना है समझ लो हमको। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हाय, और यूजर का नाम यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए, मतलब यूजर का नाम चैट में आने के लिए आपको लिखना पड़ता है $ अंडर ब्रैकेट यूजर लिख के ब्रैकेट को क्लोज कर दो और सामने लिख दो आपको जो भी मैसेज लिखना है, हाय रमेश वेलकम टू द स्ट्रीम, वेलकम टू द स्ट्रीम, ओके। तो अब ये मैसेज आएगा, ओके। तो अब जब भी कोई हाय लिखेगा आपकी लाइव स्ट्रीम पे आके तो उसको रिप्लाई मिलेगा हाय उस यूजर का नाम वेलकम टू द स्ट्रीम। ये मैसेज लिख दिया हमने, यूजर लेवल को एवरीवन रहने दो, और कूल डाउन को आपको जो भी सेट करना है 5-10 सेकंड का आप कूल डाउन सेट कर सकते हो, कि एक बार अगर ये कमांड यूज होने के कितने सेकंड बाद ये कमांड वापस से यूज हो सकता है। तो आप 5-10 सेकंड कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, 5-10-15 सेकंड जितना भी आपको रखना है उतना रख के आप यहाँ पे आखिरी में आके सबमिट बटन पे क्लिक कर दो। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका पहला कमांड हाय वाला जो है वो ऐड हो चुका है। अब दूसरा कमांड जो मैंने बताया था लव मीटर वाला, मतलब वो लव कमांड जो है वो आपको कैसे ऐड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे फिर से आपको वही करना है, ऐड कमांड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे कमांड में लिखना है एक्सक्लेमेशन, मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क, और यहाँ पे लव, ठीक है। तो अगर आपके लाइव स्ट्रीम पे आके कोई लिखेगा एक्सक्लेमेशन लव स्पेस उसका लवर का नाम, तो किसी का भी नाम लिखेगा ना तो उसकी जोड़ी का लव परसेंटेज बताएगा, ठीक है। और नीचे मैसेज में आने के बाद यहाँ पे आपको मैसेज में पेस्ट करना है ये वाला कमांड। अब ये वाला जो मैसेज है, जो कमांड है, ये मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप कॉपी कर सकते हो और जाके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप समझ लो YouTube के ऐप में ये वीडियो को देख रहे हो, अगर वहां पे समझ लो आप नहीं कॉपी कर पा रहे हो डिस्क्रिप्शन में से
इस मैसेज को, तो आप इसी वीडियो को किसी ब्राउजर पे खोल लो, और ब्राउजर पे खोलने के बाद वहां से आप डिस्क्रिप्शन में से इस चीज को कॉपी कर सकते हो, ठीक है, कॉपी कर लो और इसको पेस्ट कर दो। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, तो लव बिटवीन डॉलर यूजर एंड टू यूजर इज मैथ लोर रैंडम नंबर, आप समझ में आ रहा होगा तो पढ़ के समझ लेना बात, बाकी ये मैंने ही लिखा है, इसको मैंने ही थोड़ा सा वेरिएबल्स के साथ खेल के बनाया है, तो यार थोड़ा सा मेहनत करके बनाया है, तो लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको नीचे आना है और वो सा एवरी वन को रखना है, यहाँ पे यूजर लेवल एवरी वन रखना है ऊपर, और कूलडाउन अपने हिसाब से सेट करके सेम यहाँ पे सबमिट कर देना है। बस यहाँ पे कमांड आपने दोनों यहाँ पे सेट कर दिया है, सबमिट कर दिया है, यहाँ पे आपके दोनों कमांड सेट हो चुके हैं। अब एक चीज ध्यान रखो, ये दोनों कमांड सेट करने के बाद यहाँ पे ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पहला वाला ऑप्शन है ना डैशबोर्ड वाला, इस पे क्लिक करो और डैशबोर्ड पे आओ, और यहाँ पे देखो कि पार्ट चैनल का ऑप्शन है, यानी पार्ट चैनल का ऑप्शन है मतलब आपका चैनल ज्वाइन है, मतलब नाइटबर्ड आपके चैनल पे ज्वाइंड है। अगर आपने अभी तक नाइटबर्ड को ज्वाइन नहीं किया है तो जब मैंने पहले वीडियो डाली है उस वीडियो को जरूर देख लो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें मैंने बेसिक बताया कि आपको ज्वाइन कैसे करना होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखो कि आपका नाइटबर्ड आपके चैनल के साथ कनेक्ट रहे, वरना काम नहीं करेगा, ठीक है। और अगर आप लोग चेक कर रहे हो सिर्फ ट्रायल बेसिस पे कि कमांड काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो एक बात और ध्यान रखो, ये कमांड्स प्राइवेट स्ट्रीम और अनलिस्टेड स्ट्रीम पे काम नहीं करते हैं। जब आप पब्लिक स्ट्रीम करते हो अपने व्यूअर्स के लिए, तभी एक नाइटबर्ड आपके चैट में आता है और काम करता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखो, क्योंकि नहीं तो कमेंट करके बोलते हो भाई मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। तो आई होप कि यार ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी, और वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दो। ये वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।